जोधाई बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि भयउ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुभेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बजोर ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम रो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्री का मिलि मुख माही जल दिलाहि गए चरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा तिनके कार्य सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अनंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। परम पूजनीय मुरारी बाबू को हमारे बोलपुरवासी की तरफ से हमारा चरण स्पर्श। आज एक पुस्तक विमोचन की बात है। हमारे आदरणीय एसपी साहब लक्ष्मीनाथ जी मीना आईपीएस, उन्होंने अपने शास्त्र के ऊपर में काफ़ी ग्रंथ की रचना की है, जिसमें आज एक किताब परमात्मा का सूत्र का विमोचन होना है। तो दो एक पक उनके बारे में बता दूं। लक्ष्मीनाथ मीना जी आईपीएस ऑफिसर हमारे ज़िले के अंदर एसपी साहब हैं। उनका जन्म हुआ है बहादुरपुर अलवर राजस्थान से, और उनको भाई और माता से काफ़ी प्रेरणा मिली है। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी एमए किए हैं, 98 में आईपीएस, 96 में आईएएस किए हैं, आईएएस एंड आईपीएस बोथ। वाइफ कीर्ति के साथ, बच्चे के साथ आज यहाँ पर हैं। हम उन्हें आह्वान करता हूँ मंच के ऊपर में आके बापू के द्वारा अपनी किताब विमोचन करवाएं और एक पुस्तक बापू को भेंट करवाएं। ये मेरी प्रार्थना है। नमः पार्वती पतये श्री राम। जय जय राम।
Amen.
Yeah,
बाप राम कथा के नौवें दिन यानी विराम के दिन पुनः एक बार यहाँ की समस्त चेतना को प्रणाम करते हुए आप सभी मेरे भाई बहन और अपने घरों में विज्ञान के जरिए इस कथा का श्रवण लाभ लेने वाले और अन्य सभी को व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूँ। मानस शांति निकेतन इस वाक्य को इस पद को मत भूलिएगा कि मानस स्वयं अपने आप में शांति निकेतन है।
और इसी पावन भूमि में गुरुदेव की, रविंद्रनाथ टैगोर की एक कर्म भूमि में कई प्रकार की यहाँ साधना हुई है। इसी साधना भूमि में ये जंगम चलता फिरता शांति निकेतन रामचरितमानस, उसको लिए हम शांति की यानी जीव की मौलिक मांगों की तलाश में हैं। इतना बड़ा विशाल ये विषय है कि मुझे भी लगा कि एक कथा में उसको समेट लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए प्रभु ने चाहा तो और अनुष्ठान करते जाएंगे। सत्य ज्ञान सुख प्रेम शक्ति आनंद और शांति, ये सात जो मौलिक मांगे हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। कल वो शांति का आधार किसी पहुँचे हुए सदगुरु की पादुका बन सकती है, इसकी चर्चा हमने की। पादुका से शांति प्राप्त हो सकती है। आज कई श्रोताओं के एक सरीखे प्रश्न, करीब करीब भाषा भेद है अथवा तो व्यक्त करने का उसका उसकी विधा बिलग है, लेकिन जिस तरह मैं सार समझ रहा हूँ उसमें यही सबकी शायद जिज्ञासा है कि कल रात को जब हम बैठे थे तब भी कोई पूछ रहा था कि भाई शांति बहुत मुश्किल लग रही है इस दौर में। शांति मेरी समझ में भक्ति जैसा मामला है। और भक्ति सुलभ भी है दुर्लभ भी है। भक्ति समर्थों के लिए दुर्लभ, असमर्थों के लिए सुलभ। मेरे अनुभव में जहाँ तक रामचरितमानस का दर्शन करते करते मुझे ऐसा लग रहा है, उसी तरह शांति अगम भी है सुगम भी है। उसका राज पकड़ में आ जाए तो सुलभ, ना आए तो बहुत दुर्लभ। क्योंकि शांति ईश्वर का एक रूप है, इसीलिए ईश्वर इसी रूप से हमें शांति प्रदान करता है। सुंदरकांड का बहुत पाठ पारायण करते हैं तो वहां आप सब जानते हैं शांतं शाश्वत प्रमेय मनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा गोस्वामी जी। सुंदरकांड में ब्रह्म का
एक स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहते हैं शांतम। एक ऐसा है जैसे लकड़ी में अग्नि जलता 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 शांत हो जाता है और निराग्नि ईंधन बन जाता है, उसी तरह ब्रह्म शांत है और इसलिए वो शांतिप्रद भी है। अब इसका अर्थ मुझे ये समझ में आता है कि शांति पाने जाओ तो दुर्लभ, कोई प्रदान कर दे तो सुलभ, पाए कि फंसे। जितना हम शांति पाने की कोशिश करते हैं इतने लगता है अशांत होते जा रहे, और कोई शांत स्वरूप कोई शांत मूर्ति करुणा कर दे शांति प्रद निर्वाण शांति प्रदम तो सुलभ। क्योंकि मेरे रामचरितमानस में ब्रह्म के दो रूप हैं, आप जानते हैं कि प्रभु का दो रूप है, वैसे सगुण निर्गुण निराकार साकार फला फला वो तो औपनिषदि बातें हैं ही सब, लेकिन गोस्वामी जी जिस रूप में प्रभु का एक ब्रह्म रूप प्रस्तुत करते हैं उसमें है जो अगम सुगम सुभाव निरमल अस मल सदा। परमात्मा का रूप अगम भी है और सुगम भी है, सम भी है और असम भी है। यदि शांति उनका रूप है तो शांति भी अगम और सुगम हो सकती है। जरूर मैंने बुद्ध के जीवन से कल सात सूत्र आपके सामने रखें कि शांति प्राप्ति की ये विधा है, लेकिन इस तरफ पाने में साहब जरा दुर्लभता तो है ही। दुर्लभता तो लगेगी, श्रद्धा ही लेना सत्कर्म में तत्परता, किसी भी कर्म में स्मृति जागृत रहे, शुभ विद्याओं का संचय। ये युवा पीढ़ियों पीढ़ी को मैं खास कहूँ, ये बड़ा प्यारा सूत्र है बुद्ध, जहाँ शुभ विद्या प्राप्त है उसका संचय करना जुवानी में, ये मौका है। महापुरुष बड़े हैं इसीलिए कि ये लोग जहाँ से भी शुभ मिलता है उसका संचय कर लेते हैं। मैंने एक दिन बीच में इस विश्व भारती का जिक्र किया था कि बापू जब यहाँ आए और बापू से एक यहाँ गुरुदेव ने भी एक बात कबूल कर ली उस समय कि भाई गांधी जी जिस तरह स्वाश्रय की बात करते हैं वो भी यहाँ किया जाए। और ध्यान दो, गुरुदेव से गांधी जी ने भी दो बात ली, संगीत और कला गांधी ने कबूल किया, वरना गांधी में आपको संगीत और कला कब, साबरमती आश्रम तक संगीत और कला की कोई विधा नहीं है। आज भी मैं साबरमती आश्रम में हम कथा कर चुके हैं ऑलरेडी, वहां कोई संगीत का विभाग नहीं है कोई कला का विभाग नहीं है। कला और संगीत की देन विश्व भारती की देन है गांधी में, शुभ विद्या का संचय। और वर्धा जाते जाते सेवाग्राम जाते जाते वहां दो शाखा गांधी जी ने भी खोल दी, कला और संगीत की शाखाएं वहां मिलेगी आपको, साबरमती में नहीं मिलेगी। महापुरुष माधुकरी करते, जैसे भंवरा हर फूल से रस लेता है, मधु
बनाता है। जिंदगी बड़ी प्यारी है साहब, उसको थोड़ा हिलाओ, उसको थोड़ा मथो। एक आदमी चाय पी रहा था और बिल्कुल चाय उसको बिना एकदम मधुर नहीं लगी, मीठी नहीं लगी, मौली बिल्कुल लगे कि मानो खांड डाली ही नहीं, चीनी डाली। तो उसने तुरंत खांड के वो जो चौसले होते हैं चीनी के वो डाले। अब जब डाले तब उसको पता लगा कि अंदर तो ऑलरेडी कुछ पड़े थे, कमी थी चम्मच से हिलाने की। जिंदगी में प्रभु ने ऑलरेडी कुछ कलाएं, शुभ तत्व, संगीत, ये सब विधाएं ऑलरेडी हमारे जीवन के कप में डाली हुई है। युवान भाई बहन, केवल इतना ही बाकी, थोड़ा हिलाओ, जिंदगी मधुर ही मधुर। जिंदगी जीने जैसा, जीने का नाम, हम हिलाते नहीं और फिर ओवर हो जाते और चीनी डालते और फिर डायबिटीज के भोग बन जाते हैं। करना था योग, हो गया रोग, कहीं फंस गए सा, घुमाओ हिलाओ। एक कथा क्या है, नौ दिन वक्ता श्रोता को हिलाती है। मैं वो कहा कर पुराने जमाने में, यानी पुराने जमाने यानी मैं जब छोटा था तब, आप तो गुजर गए, आपने भी देखा देहातों में जब किसी को कोई भी बीमारी होती थी तो छोटे छोटे दवाखाने होते थे, एक डॉक्टर एक कंपाउंडर बस। और उषाकांत आया, उसकी नब्ज पकड़ी डॉक्टर ने, पंड्या साहब ने, और कहा कि कंपाउंडर को बुला तो मनसुखा, हाँ बस साहब को हरे रंग की दवा दे दो। तो हरे रंग का प्रवाही दवा दे दो, लाल रंग की दे दो। फिर वो लेकर आता है, डॉक्टर पूछे इसको कैसे, बोले पानी में डालकर उसको हिला कर पीना। बस कथा और कुछ नहीं है, जीवन को हिलाना। साहब मैं कोई चमत्कार और पर्चे वाला आदमी नहीं, मैं मौलिक श्रद्धा में जी रहा हूं, न अंधश्रद्धा न अश्रद्धा। लेकिन आप अनुभव करिए, भगवान की कथा में आप डूबोगे, आपकी शारीरिक बीमारियां भी कम हो जाएगी अवश्य सा। यस, ये महा औषधि है। मानसिक बीमारियां कम होगी मात्रा में अवश्य, धन की बीमारी होगी कि कम है कम है, वो सोच बदल जाएगी। धन नहीं है तो कोई चिंता नहीं, मन तो है, मेरे प्रभु का दिया हुआ मन, और मन कोई सामान्य वस्तु नहीं है, मन परमात्मा की विभूति है। भगवत गीता में ठाकुर कहते इंद्रियों में अर्जुन मन मैं हूं। मेरे जाने देखे परमात्मा की कथा आदमी को हिलाती है, क्योंकि ठाकुर ने ऑलरेडी मिठाई डाली हुई है, मधुरता चीनी डाली हुई, बस हिलाएं, खुद की उंगली से हिलाएं, खुद के चम्मच, दूसरे चम्मचों को मत आने दे। हमारे गुजराती में कहते हैं ए फलाना नो चमचो छे, उधार नहीं खुद। गुजराती में एक पंक्ति है साहब, मंथन नी गोली ने तड़िए जेर हसे तो का जग सड़गी अने भस्म थसे का ओई जटा धरे जागी। भगवान की कथा सुनते सुनते इन नवयुवकों में कितना परिवर्तन मैं देख रहा हूं, इसलिए मुझे कोई थकावट महसूस नहीं हो रही, कितना परिवर्तन मैं देख रहा हूं साहब।
राम कथा, भगवत कथा, भगवत चर्चा, शुभ चर्चा, शुभ वार्ता, कोई भी नाम दो, मुझे क्या आपत्ति। जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निकाम, जो भी स्तोत्राणि सर्वांगिरो, जो भी हमारे तुम्हारे मुंह से निकले, जगत गुरु शंकर कहते हैं सब स्तोत्र है, सब स्तोत्र है। बहुत जीवन परिवर्तन करती है। हर एक युग में भगवत चर्चा की महिमा रही, लेकिन मुझे लगता है भगवत चर्चा आजकल 21वीं सदी का तो महासगुन है। लक्ष्मी चांदलो करवावी से करावी लो, गुजराती में कहते हैं लक्ष्मी तिलक करने आई है, जो करा ले वो धन। इसीलिए भगवत कथा से जो पल में जी ले उसके भाल में लक्ष्मी ने चांदला कर दिया, तिलक कर दिया, सरस्वती ने तिलक कर दिया, भवानी ने, दुर्गा ने तिलक कर, कौन कला नहीं है जीव में, केवल शंकर ही कला धाम नहीं है, उनका अंश जीव भी कला मानस में लिखा, सकल कला गुण धाम, शंकर समस्त कला का धाम है, उनका अंश भी समस्त कला, थोड़ा हिलाओ, चौपाइयां हमको हिलाती है, मानस के दोहे, मानस के छंद, अन्य संतों की वाणी, साहित्यकारों की वाणी, कोई भी पंक्ति का मैं उपयोग कर लेता हूं। कल हमारे रात को राय साहब कितना प्यारा सुना रहे थे, बहुत सुंदर सुना, बहन जी की रचनाएं भी मुझे लिख कर दिया है, एक दो शेर सुनाओ, कितना बल मिल जाए, कि साहित्यिक पंक्ति से भी जीवन की मधुरता शुरू हो जाती, यदि इंसान जीना सीखे तो। जिसको जीना ही नहीं तो फिर क्या करूं यारा, मैं क्या करूं। प्रेम साहब, परमात्मा ने मुस्कुराहट केवल इंसान को दी है, किसी पशुओं को नहीं दी, ठीक है, हां जरा संगीत दिया है पक्षियों को, कहीं कोकिला पंचम सप्तम सुर में गा लेती है, लेकिन पशुओं मुस्कुराहट केवल और केवल इंसानों को दी है, कबूल है लल्लू भैया, कबूल, थैंक यू। अब सोचो कि कोई गधा, गधा कहीं खड़ा खड़ा मुस्कुराने लगे, मान लो मुस्कुराने लगे तो समझना वो मनुष्य होने जा रहा है, लेकिन स्वागत है आपकी समझ का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब। गधा मुस्कार मुस्कुराने की कोशिश करे तो मनुष्य होने की प्रक्रिया में है, लेकिन आदमी आदमी होते हुए भी यदि मुस्कुराए ना तो सब में संभावना पड़ी है। भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, गोपियों ने शिकायत की, यशोदा तेरे लाल ने मिट्टी खाई है, पेट दर्द होगा, बीमार होगा, ये लड़का बड़ा लड़ाकू है, शरारती है, मिट्टी खाता है, और माँ गोपियों की बात में आ गई, भागवत जी का प्रसंग आप जानते हैं, बलात् कृष्ण का हाथ पकड़ती है और कहा कि तूने मिट्टी खाई, अरे मुंह खोल, ये पक्का हो गया तो मुंह नहीं खोलता है तो तूने कहा, और कृष्ण तो वो लीला पुरुष है साहब, सर्वलोक महेश्वर है साहब, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये क्या नहीं है गोभी, उसी को शांति प्रदान की जाती है, भगवत गीता में उसी में शांति का जिक्र आ जाता है। तो बाप, तो बलात् माने
उसका मुख खुलवाया तो आप कथा से परिचित हैं। माँ यशोदा को कृष्ण के मुख में अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन हुआ। इसका अर्थ क्या है कि हर बच्चे का मुख खुलाया जाए तो समस्त चेतनाएं, समस्त शक्यताएं, संभावनाएं उसमें पड़ी हैं। हाँ, निगाहें चाहिए यशोदा की। आंख यदि यशोदा की हो तो हर शिक्षक का छात्र कृष्ण है। इनके समस्त संभावनाएं पड़ी। हिलाओ। सुकरात कहता था, मैं किसी को कुछ देता नहीं, उसमें जो है उसको खोलता हूं। क्योंकि मैं एक दायण का बेटा, मेरी माँ किसी स्त्री के पेट में गर्भ नहीं रखती। ऑलरेडी जो सगर्भा होती है उसके बच्चे का प्रसव कराने का काम मेरी माँ करती थी। मैं उनका बेटा, मेरे जींस में यही आया है कि जिसमें जो संभावना है उसको मैं प्रकाशित करूं, अनावरण करूं। यही तो बात है। क्या किसी में परमात्मा नहीं है? सदगुरु क्या करता है? हृदय में बैठे ईश्वर को अनावृत कर देता है। सब में ऑलरेडी ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शेरजुन तिष्ठ। सब में मधुरता। कोई भी पंक्ति हमें हिलाएगी अंदर से, हमारी मधुरता को प्रकट करेगी। जल्दी जल्दी कर दिया प्रभु आपने। अभी प्रभु भगवान आप विश्राम करें। नहीं नहीं नहीं, उसको उसको शांत शांत। अच्छा बाबा जी, हम जाते समय मिलेंगे, रोज मिलते हैं इसे। ओके थैंक यू। हम रोज मिलते हैं उसको। उसकी मौलिक मांग क्या है मैं जानता हूँ। अच्छा भगवान प्रणाम। बैठिए बैठिए। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है कि कोई भी वस्तु हमारे जीवन की मधुरता को, हाँ स्वागत है राय साहब, स्वागत। मैं निमंत्रित करूं साहब आपको, आप ही गाकर दो शेर सुना दीजिए। हमने तो रात को लाभ लिया, पूरी दुनिया लाभ ले ले आपके आपके साथ। आ जाइए। अब तो बस जान ही देने की है बारी ए नूर, अब तो बस जान ही देने की है बारी ए नूर, मैं कहां तक करूं साबित की वफा है मुझ में, कहां तक अपनी वफा साबित करे। अब तो जान ही देना पड़ेगा। यही कितना प्यारा नूर साहब का, किशन बिहारी नूर। आपको जो मन में आए सो गा दीजिएगा साहब, दो चार शेर आपकी मौज में, हारमोनियम लीजिए और गाइए। एक बार स्वागत। मैं हर जगह व्यासपीठ पर किसी न किसी को बुला लेता हूँ, यहाँ रह गया था तो आपने ये पूरा कर दिया, धन्यवाद। आपको जो मन में आए आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम।
अब तो ले दे के वही शख्स बचाए मुझ में, अब तो ले दे के वही अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, मुझको मुझसे जो अलग करके छुपा है मुझ में, मुझको मुझसे जो अलग करके छुपा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में, आग है पानी महसूस करेगा जो मुखातिब होगा, वही महसूस करेगा ऐसे अनदेखे
उजाले की सदा है मुझ में ऐसे अनदेखे उजाले की सदा है मुझ में और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में आग है पानी है मिट्टी है हवा है मुझ आईना ये तो बताता है मैं क्या हूँ लेकिन आईना ये तो बताता है मैं क्या हूँ लेकिन आईना इस पे है खामोश क्या है मुझ में आईना इस पे है खामोश की क्या है मुझ में और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में आग है पानी है मिट्टी है हवा है मुझ में टोक देता है कदम जब भी गलत उठता है टोक देता है कदम जब भी गलत उठता है ऐसा लगता है कोई मुझसे बड़ा है मुझ में ऐसा लगता है कोई मुझसे बड़ा है मुझ में और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में आग है पानी है मिट्टी है हवा है मक्ते का शेर अर्ज है शायद अब तो बस जान ही देने की है बारी ऐ नूर अब तो बस जान ही देने की है बारी मैं कहां तक करूं साबित की वफा है मुझ में मैं कहां तक करूं साबित की वफा है मुझ में और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में आग है पानी है मिट्टी है हवा है मुझ में बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। धन्यवाद, बहुत। टोक देता है कदम जब भी गलत उठता है, ऐसा लगता है कोई मुझसे बड़ा है मुझ में। आदमी गलत करने को कदम उठाता है और भीतर से कोई रोकने की कोशिश करता है, तब लगता है कि मुझ में मुझसे भी कोई बड़ा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जुन तिष्ठति। पड़ा है ऑलरेडी, कोई हिला है। तो कल वाले जो भगवान बुद्ध के दिए गए, बुद्ध के द्वारा दिए गए 7 सूत्र शांति के, कभी कभी जरा कठिन पड़ेंगे अवश्य पाने में, लेकिन युवान भाई बहन जहां से शुभ विद्या प्राप्त करे उसका संचय करे। संगीत और कला दोनों वर्धा में सेवाग्राम में लग गए, साबरमती में नहीं, ये यहां की देन। साधु लोग मधुकर माधुकरी करते हैं, संचय कर, मधुकर रामायण में लिखा मधुकर सरिस संत गुण ग्रह। लोकापवाद से न डरे, कल वाला बुद्ध का सूत्र, लोकापवाद से डरे ना, क्योंकि लोग तो वो क्या पंक्ति है, हाँ? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों, कहीं बीत न जाए रहना, कहीं रहना पल में जी, लोकापवाद तो आदमी। भगवान बुद्ध के पास एक सामुद्रिक विद्या वाला आदमी आया, ज्योतिष की सामुद्रिक विद्या बहुत जानता था यार। बुद्ध के पास आने के बाद वो एकदम एकदम वो उसमें डूब गया और बुद्ध से कहता है कि मुझे दीक्षा दे दो। तो बुद्ध कहता है कि ठीक है दे दो, लेकिन कोई चाह, बोले एक चाह है, मैं सामुद्रिक विद्या का ज्ञाता हूं और मेरी एक बहन है उसमें भी सामुद्रिक विद्या के सभी लक्षण है, एक बार उसका ब्याह कोई ऐसा मिल जाए उसके साथ कर दो, फिर प्रवज्ञा ले। बुद्ध ने कहा कि इसमें तो देर हो जाएगी, किसी को सौंप दे वो ब्याह कर दे करा दे। फिर वो अपने छोटे भाई को सौंप देता है कि मेरी बेटी का ब्याह करा दे और वो दीक्षित हो जाता। छोटा भाई भी जानकार, अब वो खोजता है कि बेटी में जो सामुद्रिक विद्या के लक्षण हैं वो कहीं किसी पुरुष में मिल जाए उससे ब्याह, कुंडली कुंडली जो मिलाने में लोग टूट जाते, कन्या और वर की कुंडली, लड़का लड़की की कुंडली। मैं तो कहता हूँ वर लड़का लड़की की कुंडली मत मिलाओ, सास बहू की मिलाओ, काम हो जाएगा। वो मिल जाए ना तो कोई चिंता नहीं, फिर आदमी तो बेचारा। एक भाई ने अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं आपको बता, बापू मेरी सास का नाम शांति है, लेकिन मेरी पत्नी जो उनकी बेटी है बहुत अशांति पैदा करती है, यदि पत्नी का नाम शांति रख दूं तो कोई फायदा होगा बापू?
यदि हाँ तो कोई शुभ मुहूर्त बताए। बेगी विलंबन करिए नृप, नाम की महिमा है लेकिन नाम बदलने से नहीं होगा, स्वभाव बदलने से होगा, वृत्ति बदलने से। एक भाई की पत्नी कुएं में गिर गई ना, तो दूसरा खबर पूछने आया कि हमारी बहन जी कुएं में गिर गई थी, सुना कैसा है? बोले कल तक तो आवाज आती थी, आज कोई आवाज नहीं आ रही, सब ठीक ही होगा। बाप, अब वो बेचारा सामुद्रिक चिन्ह वाला युवक खोज रहा है, और हद तब हो गई कि बुद्ध में ही ये सभी सामुद्रिक चिन्ह थे। और वो कहता है बुद्ध मेरी बेटी का स्वीकार करे, और बुद्ध ने कहा कि मैंने तो पूरा संसार छोड़ दिया है जगत को दुख की मुक्ति का राह दिखाने के लिए, कहीं खोज लो मिल जाएगा, मान गए। लेकिन उस कन्या के मन में रोष पैदा हो गया, ये काहे का बुद्ध है इतना मेरे रूप का, और मेरे में जो निशान है सामुद्रिक विद्या के अनुकूल वो उनमें है, और ये मेरा इतना बड़ा अनादर करता, उसके मन में रोष। फिर कौसंबा स्टेट का, उस कालीन कौसंबा स्टेट, उसके राजकुमार के साथ इस कन्या की शादी होती है, लेकिन कन्या में रोष भरा है, प्रतिशोध की भावना है, मैं बुद्ध को दिखा दूंगा। फिर वो कन्या राजरानी हुई, इसी कारण उनके हाथ में सब आ गया, साम्राज्ञी हो गई। फिर कई लोगों को इसने पैसे देकर अधिकार के बल से चतुराई से सबको साध लिया, और बुद्ध और बुद्ध के संघ को पीड़ित करने का षड्यंत्र रचा। बुद्ध चरित्र की बड़ी एक घटना, बुद्ध का संघ कहीं भी जाए कोई भिक्षा नहीं देता है, गाली गलौज करते, पत्थर डालते हैं भिक्षा पात्र में। बुद्ध उसी कौसंबा के बाहर ही विहार था उनका, और वहां लेकिन नगर में कोई उसको भिक्षा नहीं देता, भिक्षु भूख से पीड़ित होने लगे, अपमान की कोई सीमा नहीं। तब भिक्षुओं ने बुद्ध को कहा कि भगवान अब यहां से हम प्रस्थान कर दें, क्योंकि यहां कोई भीख नहीं देता है, अपमान करता है, और यहां कुछ तो। बुद्ध बड़ा प्यारा शब्द कहते हैं कि यहां से दूसरी जगह चले जाओगे तो क्या वहां ऐसा नहीं होगा, ये बात तो हर जगह पहुंच गई तो वहां अपमान नहीं होगा, और कितने कितने स्थान बदलोगे इससे बचने के लिए। भिक्खु लोकापवाद से डरो मत, बुद्ध का से। और तब बुद्ध एक वाक्य बड़ा प्यारा, युवान भाई बहन सीखने जैसा, मेरे भाई बहन मैं आज जाते जाते आपकी झोली में कुछ डालता जाऊं, बहुत प्यारा। बुद्ध ने कहा ये अपमान, ये गाली गलौज, ये उपेक्षा, ये गैर समझ, ये जो कुछ है ये विकृति है, विकृति शाश्वत नहीं होती भिक्खु, नाशवंत होती है, शाश्वत तो अपनी प्रकृति हुआ करती है, इसलिए राह प्रतीक्षा करो, विकृति कल शांत हो जाएगी, धीरे 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 समापन, क्योंकि हमारी प्रकृति साधुता शाश्वत है, विकृति अशांत। इसी अभ्यास पर बुद्ध कहते थे चुंद को कि लोकापवाद से डरो मत। बोध मिले प्राप्त करो और बांटते चलो, बांटते चलो बोध, शांति के जो सात सूत्र कल बुद्ध। तो इस ढंग से जाना, वैसे आदमी गंभीरता से कदम उठाए तो कर सकता है, लेकिन जरा कठिन तो पड़ेगा,
हिचके ना, कोई भी कुछ कहे, श्रद्धा न हिले, शुभ में तत्पर रहे, हर कर्म में स्मृति जागृत रहे, विद्या का संचय करे। शांति मिलेगी अवश्य, बुद्ध के वाक्य है, लेकिन पाने में जरा दुर्लभता, जरा अगम भी लगेगा, लेकिन निर्वाण शांति प्रदम। दाता हमें वरदान में दे दे तो कुछ करना नहीं पड़ता। उनका स्वभाव सुगम है, अगम है, असम सम शीतल सदा। ये असम भी है, सम भी है, ऐसा ब्रह्म के बारे में निरूपण अंकित हुआ है रामचरितमानस में। अब देखो, ब्रह्मा तो वेद के गायक है ना, वेद गाते हैं ब्रह्मा, बुद्धि के देवता, सृष्टि के सर्जक है, बड़े तपस्वी है, तपबल रचयी प्रपंच विदाता। लेकिन उसको परमात्मा की प्राप्ति बहुत कठिनता से प्राप्त हुई, सदियों के बाद, युगों के बाद, किसी बलि ने यज्ञ किया, फिर दो कदमों में नापने लगे और विराट बने, वो कदम वहां गया, तभी ब्रह्मा के कमंडल में प्रभु के चरण मिले केवट को। न कोई साधना करी, न कोई वेद पढ़ना पड़ा, न कोई कमंडल लाना पड़ा, केवल उसकी, उस पर कृपा हो गई और शांति उनके कथोटे में आ गई। मन चंगा तो कथोटे में गंगा। एक और, खूब साधना करो, खूब करो, यह भी मार्ग है। और एक और, आदमी पर कृपा हो जाए, वरदान में मिल जाए शांति, ये केवट का कथोटा और सर्जक का कमंडल ये विश्व को अद्भुत प्रेरणा देता है। केवट तो कहता है, मुझे तो वेद पढ़ने का अधिकार भी नहीं है, और मैं, मुझे भी पढ़ने का अधिकार नहीं, मैं किसी को पढ़ाऊंगा तो कैसे, ब्रह्मा तो वेद पढ़ाता है। केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाइयो, कवितावली रामायण। मैं केवट की जात का हूं, वेद मैं पढ़ नहीं सकता, मैं पढ़ाऊं कैसे, जब तब कुछ नहीं मेरे पास। शांति सुगम भी है, अगम है, पाने की चेष्टा में अगम, वरदान की चेष्टा में सुगम। ऐसे आप संसार में शांति पाने के लिए घूमो, हाँ, 9 दिन लेकर निकलो आप शांति के लिए, कोलकाता जाऊं, नागपुर जाऊं, हैदराबाद जाऊं, 9 दिन 9 जगह घूमो शांति पाने के लिए, थक जाओगे, लेकिन वरदान में राम कथा मिल जाए और एक जगह बैठ जाओ तो शांति ही शांति। एक और दौड़ धाम, एक और परिश्रम और शांति हाथ लगती नहीं, मिले भी अवश्य, मैं वो नहीं करता, लेकिन दुर्लभ तो लगती है। और प्रभु कृपा से सत्संग मिल गया तो ये वरदान में शांति प्राप्त हो जाती है। तो अगम भी है, सुगम भी, ब्रह्म का रूप, और ब्रह्म का रूप शांत है, वो दे तो सुगम। रामायण में एक दृष्टांत है, तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, उसके पीछे एक इतिहास है, आपने सुना हो, एक बार आकाश का नाप लेने, आकाश की अनंतता को समझने के लिए मच्छर और गरुड़ दोनों उड़े कि नाप लिया जाए कि आकाश कितना अनंत है। और कथा ऐसी है कि गरुड़ 1000 साल तक उड़ा,
अंत नहीं पाया। अवकाश का अंत कहां? हजार साल तक गरुड़ समर्थ है, ईश्वर का विष्णु यान है, विष्णु उस पर बैठता है और उड़ान भरता है। एक और 1000 साल की उड़ान आकाश की अनंतता को नापने के लिए, दूसरी और 5 मिनट मच्छर उड़ा, उसको लगा कि इसका अंत नहीं। एक ने इसका अंत नहीं 5 मिनट में पाया, एक ने इसका अंत नहीं 1000 साल में पाया। देखो करने गया बहुत देर लगी, असमर्थता घोषित की 5 मिनट। मर्म तो दोनों को एक ही मिल गया कि अनंत है, नहीं कोई पा सकता। एक और तुम साधना करते 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 अनंत साधना करो और आखिर में भी कहना पड़े नेति नेति नेति, और एक और किसी की कृपा हो जाए और पात्रता आ जाए तो कह सकता है केवट कहई तुम्हार मर्म मैं जाना। ब्रह्मा नेति कहे, केवट कहे मैं मर्म जानता। ये है अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। पाई की आत्म गई। इसलिए भक्ति मार्ग तो आश्रितों का मार्ग है, असमर्थों का मार्ग। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रमादी हो जाए, इसका गलत अर्थ भी बहुत हो जाता है। भीतर से हम असमर्थ हैं। बाजार में कोई चीज लेने जाओ और बहुत कीमती चीज लेनी है, हमारी योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वो चीज के लिए हमारे पास इतना विवेक भी नहीं, बुद्धि नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो चीज हम नहीं पा सकते बाजार में। लेकिन कोई ऐसी बाजार हो दुनिया में कि हम जाएं, कीमती से कीमती चीज हो, हमें पानी है और हम दुकानदार को पूछे कि हमें ये चीज़ चाहिए कितने में दोगे, तो दुकानदार कहे कि आपकी जेब में जितने पैसे हो इतने में मिल जाएगी। भक्ति ऐसा कहती है तुम्हारे पास जितनी साधना हो इतने में हरी मिल जाए। लेकिन ज्ञानियों को बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाना है, बहुत कठिन साधना करनी है, तभी तो दुनिया में हमारा कोई प्रभाव पड़ेगा कि हमने हजारों साल तक साधना की। अरे ये ब्रह्मा जामवंत ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही जामवंत है। बलि के यज्ञ में वामन आया और ब्रह्मा जी अपने बंदरों को कहता है, मित्रों को, कि भाई लंका में मैं अब नहीं जा सकता, जुआन था तब की बात और है, अब बूढ़ा हो गया। बलि बांधत प्रभु बाढ़े, जब वामन से विराट हुआ तब मैंने 7 प्रदक्षिणा 2 घड़ी में दी, अब मैं बूढ़ा हो गया। अरे तुम्हें ब्रह्म की ही परिक्रमा करती थी तो वामन की कर लेता, लेकिन हम वामन की परिक्रमा करें इसमें हमारा बड़प्पन नहीं है, हम विराट को नापे, फिर दुखी हो जाओ। ये ब्रह्मा का तत्व ज्ञान मानस में से समझ ले जैसे। अब ब्रह्म की ही परी तो वामन 1 मिनट में काम हो जाता है, लेकिन नहीं, तब वामन वामन ब्रह्म नहीं, वही तो विराट बना, क्योंकि मैंने विराट काम किया तभी तो लगता है कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं सर्ज, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना तप किया, मैंने ये किया। करो लेकिन कृपा हो जाए तो 5 मिनट में मच्छर उसी मर्म को पा लेता है कि अनंत, और 1000 साल के बाद पंख थक गई साहब गरुड़ की, थक गया आदमी। कलयुग में हम लोग जी रहे, युवान भाई बहन आपको ऑफिस संभालनी है, धंधा करना है, विकास करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बुजुर्गों की सेवा करनी है, संस्कृति की रक्षा करना है, अपने धर्म को निभाना है, विवेक को प्राप्त करना है, विश्राम को। ऐसे में एक कलयुग ऐसा काल नहीं कि आप बहुत साधना करो, बस थोड़ी सी कुछ बातें समझ में आ जाए, हमारी झोली में शांति वरदान के रूप में आ जाए, थक जाएंगे। रास्ते पुर पेच है, छल जाएंगे, भावेश पाठक का शेर, रास्ता जरा उखड़ बखड़ है,
रास्ते पेच है छल जाएंगे, आज रहने दो वहां कल जाएंगे। सावधान रहकर जाए कितना करो। भक्ति का बाजार लगा है साहब, ये लगा है देख लो बाजारे सुखन, दर्द के सिक्के यहां चल जाएंगे। जहां कविताएं होती है, जहां शायरी होती है, जहां महफिल होती है, एक बाजार लगती है, तो वहां कभी कभी झूठे सिक्के भी चल जाते हैं। देख लो ये लगा बाजारे सुखन, दर्द के सिक्के यहां चल जाएंगे, यहां पीड़ा समाप्त तो हो जाएगी, क्योंकि यहां सब पीड़ा के सिक्के चल जाते हैं। लेकिन आदमी को सबको अब राम 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 करे और आदमी शांति पाले तो कोई ना, राम राम में क्या होगा, क्योंकि उसको 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 कठिन करना है, उसको नाक दबाना है। द्रविड़ प्राणायाम करना, नाक दबाना, प्राणायाम करना चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है अवश्य, लेकिन ये मार्ग समर्थों का मार्ग। हमें नाक दबाने की जरूरत नहीं, श्वास छोड़ना लेना कुंभक रेचक पुरुष छोड़ो, श्वास की चिंता छोड़ो, विश्वास रखो। और इस अर्थ में कलयुग में अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, पल में जी लो। इसका योग योग बहुत अद्भुत है, लेकिन हम जैसे के पाले पे कहां पड़ता है। मैं तो हजार बार बोला हूं, हजार बार हो गया होगा शायद, हजार बार ना हो भी हुआ, लेकिन ये बोलने की एक रीत है। बच्चे को कोई बाप ने एक दिन में हजार बार नहीं टोका, फिर भी मैं हजार बार तुम्हें टोका, ऐसी ऐसी एक बोलने की रीत है। मैंने तो कई बार कहा है कि व्यासपीठ पर प्रभु का गुणगान गाते गाते हमारी सभी एक्सरसाइज पूरी हो जाती, चाहे उसको प्राणायाम करो, चाहे उसको योगा कहो, जप कहो, तप कहो, अनुष्ठान सब पूरा कर दे। बाप आदमी अब सब छोड़, केवल जितना हमसे हो सके सत्य का अनुसरण करे, और असत्य करने में डर लगे कि नहीं 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 भाई ऐसा ऐसा नहीं, फिर स्वार्थ के कारण तुमको करना पड़े चलो हो गया। यहूदी को, यहूदियों की एक किताब है, उसमें आज के कलयुग के हमारे जैसे जीवों के लिए बहुत बड़ा संदेश यहूदियों की, उसमें लिखा है कि जीव जब परमात्मा के पास जाएगा तब उसको पाप पुण्य पूछे नहीं जाएंगे। ये कोई सामान्य आदमी नहीं कि छोटी छोटी बातों की उघराणी करे कि लाल लिस्ट तूने कितने पाप किए कितने पुण्य किए, ये कुछ नहीं पूछेगा। ये तो यहां हम ठीक रहे इसलिए सबको बताएंगे, एक भी शुभ करो, ये करो, ये करो, बाकी ये छोटी बड़ी कि तूने तूने कितनी बार ये न खाने की चीज खाई, तूने कितनी बार न पीने की चीज पी, तूने कितनी बार ये पाप पुण्य का हिसाब नहीं। वहां कोई अपराध नहीं पूछा जाता है, वहां यहूदियों का विचार मुझे अच्छा लगा, वहां एक ही बात पूछा जाता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी देकर भेजा था, तूने इस जिंदगी को सार्थक किया कि नहीं, आनंद किया कि नहीं, तूने प्रसन्नता से जिंदगी जी की नहीं, तूने प्रसन्नता से जिंदगी न जी तो वही एकमात्र अपराध है। इसलिए जगतगुरु शंकर कहते न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। इसका मतलब यह नहीं कि हम पाप करें, ध्यान देना, पुण्य न करें, गलत मैसेज मत लेना, हमको बहुत डराए गए हैं, वहां पाप पूछे जाएंगे, वहां ये कहा जाएगा, ये कहा जाएगा, यहां झूठ बंद करो ना थोड़ा, वहां कहीं एटली बधी है ना फुर्सत नदी का अपना कागड़िया काटे, ये चित्रगुप्त जो होगा होगा, भले वो अपनी ड्यूटी पर रहे, अपने गुप्त चित्र को संभालो, चित्रगुप्त को छोड़ो, अपने जो गुप्त चित्र है उस पर सोचो। बात बात में हम झूठ बोल रहे हैं अकारण, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना तो छोड़ो, बिन जरूरी झूठ तो छोड़ो, जिसमें तुम्हारा स्वार्थ है कि 5 लाख का फायदा होता है, ये प्रशंसनीय तो नहीं लेकिन क्षम्य है, लेकिन कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान, फिर भी झूठ बोले जा रहे, झूठ बोले जा रहे, झूठ, फिर तो क्या करे, शांति कैसे मिले।
हस्ता मलक है शांति दाता की कृपा से। वैराग्य संदीप पीने में भगवान ने कहा, गोस्वामी ने कहा, सोई शांति सदगुरु की दई, शांति तू नहीं पा सका, तेरा सदगुरु तुम्हें देगा, उपहार में देगा, वरदान में, सदगुरु की दही, ये शब्द वैराग्य संदीपनी का। बात बात हम करुणा छोड़ रहे, आक्रोश अहंकार, हम नफरत में जी रहे, प्रेम का परित्याग कर रहे, कर सकते हैं। बात बात एक क्लास टीचर ने पिंटू के दादा को फोन किया, पहले टीचर ने फोन किया था लेकिन वहां उठाया नहीं गया, मिस कॉल देखा तो पिंटू के दादा ने फोन किया, मारो गोटो थियो एटले बधु अमारो सरखू करवू पड्यो, उसने किया, कौन बोल रहे हैं? बोले पंड्या साहब। आप कौन? बोले पिंटू का दादा। पिंटू के दादा बोल रहे हैं, स्वर्ग से बोल रहे हैं कि नरक से? उसने कहा कि आप ऐसी, टीचर साहब ऐसी बातें क्यों कर? बोले पिंटू अभी मेरे से छुट्टी लेकर गया कि मेरे दादा मर गए हैं, मैं स्मशान यात्रा में जाने के लिए, अकारण एक छोटी सी छुट्टी के लिए दादा को मार देता है आदमी, इससे तो बचो। टीचर भी कमाल का कि स्वर्ग से बोल रहे हैं कि नरक से? बोले ऐसा क्यों बोल रहे अशोक? बोले तुम्हारा पिंटू तो यही कि दादा मर गया था, अब अभी का हो कहा पता। रामायण आपको बहुत वरदान देती है। मैं गाता हूं इसीलिए नहीं साहब, आप इनके सूत्रों को समझिए। असमर्थ भीतर से जब हम हो जाते हैं, प्रभु क्या नहीं करता हमारे लिए। एक और दृश्य आपके सामने रखो, मानस से बालकांड, भोजन करत बुलाव राजा नहीं आवत तजी बाल। महाराज दशरथ जी को भूख लगी, भोजन के लिए राम को बुलाते हैं लेकिन बालकों का संग छोड़कर राम जी आ नहीं गए। दशरथ जी ने, मूल कथा तो ऐसी है अन्य कथानकों में, कि दशरथ जी ने सुमंत को कहा कि सचिव सुमंत जरा राघव बालक का संग छोड़कर आ नहीं रहा, मुझे भूख लगी, जरा बुला ले। सुमंत बुलाने जाते नहीं आवत तजी बाल समाजा। न दशरथ जी राम को ला पाए, न बुद्धिमान सुमंत राम को बच्चों के संग से बिलख कर सके। तब दशरथ जी ने सोचा, बुद्धिमान की बुद्धि व्यर्थ गई, मेरा साम्राज्य पद भी प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाए। तो फिर उसने प्रयोग किया, कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या जी आप बुला लाओ ना, राम सुमंत से भी नहीं आ रहा है, मेरे से तो आया ही नहीं, तो तुम बुलाओ। तो ये तो भक्तिमयी माता है, भावनामयी माँ है। बहन जी ने कल माँ का जो एक गीत प्रस्तुत किया था, हाँ, कि जब सूखे पेड़ में हरी हरे पत्ते लगने लगते हैं और जिसने डाली काटी है वही डाली कातिल के घर के चूल्हे को जला देती है, तभी मुझे माँ की याद आ गई। अच्छी सामग्री काव्य में एकत्रित करके सुंदर संवारा। अब कौशल्या तो भक्तिमती है, माँ बुलाने गई, तो जब भक्ति आती है तो प्रभु को थोड़ा खेल करने की इच्छा हो जाती है, भक्ति के सामने वो ठुमक जाता है, ज्ञानियों को तो थका देता है लेकिन भक्ति के सामने ठुमक चलत रामचंद्र बैजत
आजत पैंजनिया तुलसीदास अति आनंद निरखी केट मुखारविंद रघुवर छवि के समान रघुवर ठुमक भक्ति के आगे वो नाचता ताही अहिर की छोहरियां छछियां भर छास पे नाच नचा वो ब्रजगाल ग्वालिन जो जो बिल्कुल गवारीन है वो छास गोविंद मांगता है तो कहते थोड़ा थोड़ा ठुमका लगा प्यार राधेश्याम होता तो मैं कहता ठुमका लगा जा ताही जिसको वेद नेति कहे ब्रह्मा जिसको प्राप्त न कर सके ताही अहीर की छोहरियां छछियां भर छास पे नाच इसलिए प्रेम कैसा जथा ब्रज गोपी का नाम ब्रज की गोपियों की तरह प्यार हो ठुमक ठुमक प्रभु चलही पाई थोड़ा खेल करते भक्ति प्रभु को नचाती है नृत्य करा दे निगम नेति शिव अंतन पारा ताही धरे जन निहठि धारा भोजन कर बुलावते राजा नहीं आत तरी बाल वेद नेति कहे जिसका अंत गरुड़ न पा सके उसको मां बलात् पकड़ लेते हठी धावा और दशरथ जी की गोद में बिठा देती कितने महान सम्राट चक्रवर्ती धूल दूसरी शरीर है महाराज की गोद में बैठा खा भी रहे चलो कैसे भी दशरथ जी समर्थ तो सिद्ध हो गए कि उनकी गोद में कैसे भी देर के बाद ब्रह्म तो आ गया लेकिन उसी समय उसी आंगन में एक असमर्थ कौवा काकभुसुंडी खड़ा था जिसको राम की जूठन चाहिए थी और जब तक वो दशरथ की गोद में बैठा है इस कौवे को जूठन कहां से मिली न मैं गरुड़ हूं न मैं वाल्मीकि की तरह वंदे वाल्मीकि कोकिला हूं मैं न कोयल हूं मुझ जैसे असमर्थ मुझ जैसे सकुना दम कौवे को प्रभु की जूठन कैसे मिलेगी अब दशरथ की गोद में तो वो चौंच मारने नहीं जा सकता इतना असमर्थ क्या करे असमर्थ कौवा रो रहा है मुझे जूठन कैसे और समर्थों को भगवान के गोद में लेने के बाद भी चित्तवृत्ति को बहुत एकाग्र रखनी पड़ती है वरना समर्थों की गोद में से कब निकल जाए कुछ नहीं भोजन करत चपल चित इत उत अवसर दशरथ जी का जैसे ही ध्यान साधना करते चित्तवृत्ति को बहुत काबू में रखने में छोड़ो झंझट यार कौवा हो जा सम्राटों की गोद छोड़ देगा मेरा ठाकुर जब लगा कि दशरथ जी चुके चित्तवृत्ति स्थिर नहीं बाधा पड़ी वृत्तियों में भगवान तो देख ही रहे इत उत अवसर पाए भाज चले किलकत प्रभु भागे लेकिन तुलसी जी लिखते हैं बहुत दही और बात मुर पर लपेट कर क्योंकि ज्यादा लपेटू तो गिरेगा गिरेगा तो कौवे को जूठन मिलेगा उदारता का तो सीमा नहीं है ऐसा ऐसो को उदार जगमा दधिओदन लपटा इतना मक्खन और इतना दही और लपेट लिया देखने वाले को लगा कि बच्चा कैसा हो गया लेकिन साफ साफ लपेटा कर दिया ऐसे दौड़ेंगे शरीर पर हर जगह तो गिरेगा और तब काकभुसुंडी जी अजीर में जो जूठन पड़ा है समर्थों की गोद चित्तवृत्ति भंग होते ही ब्रह्म छोड़ देता है और असमर्थ जो कौवे जैसा साधनहीन है उसके लिए स्वयं जूठन की व्यवस्था कर देता है नहीं पूछेंगे पाप कितने किए करना मत फिर ये न सोचे कि बापू ने पूर्णाहुति के दिन कहा था कि पाप नहीं पूछा जाएगा तो जितना हो सके 26 जनवरी से शुरू करें लेकिन यहूदी की किताब मुझे बड़ी प्यारी लगी मैं इनमें से भी कभी कुछ सूत्र आपको सुनाऊंगा अद्भुत है
मैं तो धर्म संवाद का आदमी हूं ना, संवाद करो जहां से मिले, शुभ शुभ ले लो। कल मलुक जी का जो पद गाकर कहा था ना, अथवा तो वो मीर नजीर कबीर और इंशा, सभी का एक घराना, एक ही घराना के आदमी हैं, चाहे कबीर हो, मीर हो, नजीर हो, इंशा हो। इलाही काश गमे इश्क काम कर जाएं, इलाही काश गमे इश्क काम कर जाएं, जो गुजरनी है कल हम पर वो अभी गुजर जाए, पल में हो जाए घटना। तमाम उम्र हम तो कांटों में जिए हैं यारों, तमाम उम्र हम तो कांटों में गुजारी है यारों, खुदा करे तेरा दामन गुलों से भर जाए, परमात्मा करे तेरा दामन फूलों से गुलों से भर जाए। सितारे टूटकर उनके दामन को सजाते हैं, मुझे डर है कि कहीं आसमां खाली हो जाए। परवासा सोचो तो, कौवा मैदान मार गया, इसलिए कौवा कहता है, जब गरुड़ ने पूछा कि आप मरना क्यों नहीं चाहते इसी शरीर में, बोले इसी शरीर में जो फायदा हुआ है वो और किसी शरीर में हो ही नहीं सकता। तजो न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं। मुझे इसी शरीर में राम भक्ति प्राप्त हुई है, मैं कहां पाने जाऊं, वरदान में मिली है। कितने मानस संपूर्ण शास्त्र है। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, साहित्यिक दृष्टि से देखो, कविता की दृष्टि से देखो, मौलिकता की दृष्टि से देखो, अद्भुत सूत्रों की दृष्टि से देखो, मंत्रों की दृष्टि से देखो, क्या नहीं है रामचरितमानस। हाँ साहब, अद्भुत। मैं गाऊं इसलिए और सा अर्थवाद नहीं कर रहा हूं, हाँ मुझे मेरी जिम्मेवारी का पता है। कल कोई कहे कि ये कहाँ है तो बताना भी पड़े, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ। अद्भुत शास्त्र है, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत, धर्म संवाद की बात रामायण कर रहा, सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की, कीरति कली कलित ललित सी पी की, गावत संतत संभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी। पाठ्य पुस्तकों में रामचरितमानस पढ़ाना चाहिए, चलो उसका उसका उसकी आध्यात्मिकता आप समझते, लेकिन एक साहित्यिक ग्रंथ है और हिंदी सिलेक्शन में आता भी है हमारे ग्रामर। लेकिन तुलसी को इन इन साहित्य इन शिक्षा में तुलसी को इसीलिए इस साहित्यकार नजर आए इसीलिए लेते हैं, आध्यात्मिकता नजर आए तो भी पाठ्य पुस्तक में लो। देश में सर्वधर्म संभाव की बात संवाद की करनी हो, धर्म निरपेक्षता का अर्थ सर्वधर्म का अभाव नहीं है, विनोबा जी ने कहा सर्वधर्म का सम्मान हो। विनोबा ने बहुत सुंदर महाराष्ट्रीय सरकार पर तक एक एक वो किया कि महाराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में ज्ञानेश्वरी न सिखाई जाए तो महाराष्ट्र कभी विकसित नहीं होगा। लेकिन ज्ञानेश्वरी आध्यात्मिक ग्रंथ है इसलिए न सिखाया जाए, ये जिद छोड़ो, विनोबा जी ने कहा। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब की पदावली न सिखाई जाए तो पंजाब सशक्त होगा, शांत नहीं हो पाएगा। पूरे संसार में रामचरितमानस न पढ़ाया जाए साहब, ये मैं खोटा दावा नहीं कर रहा हूं, कोई आंख वाले जरा तलाश है, क्या छोड़ा है मानस ने साहब। असमर्थों को जल्दी प्राप्त होता है, कौओं को, दशरथ जी को नहीं मिले असमर्थों को। अभी गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकली तो गंगा तो अमर लोक में थी, मर्त लोक में क्यों लाने की जरूरत थी उसको, लेकिन वो सगर के संतान 60,000 कितने थे वो सब समंदर खोद रहे थे उस करने के लिए, फिर भी कुछ हुआ नहीं।
इतना कार्य कवि, लेकिन आज तक सगर प्रयास संसार में प्रसिद्ध नहीं हुआ। जब भी प्रयास की उद्घोषणा हुई तो भगीरथ प्रयास की ही इज्जत हुई है। सगर प्रयास आज तक शब्द नहीं आया। भगीरथ पुरुषार्थ, सगर पुरुषार्थ सही में सगरों ने किया। 60,000 लड़कों सगर के संतानों, सगर के संतानों ने इतना वो किया, फिर भी उनके पुरुषार्थ की कोई इज्जत नहीं। क्यों युवान भाई बहन, अब लोग मैनेजमेंट सीखते हैं ना, मानस से सीखो, कम पुरुषार्थ नहीं है। तुम खूब पुरुषार्थ करो, खूब करो, खूब करो, करना ही चाहिए। लेकिन कोई पुरुषार्थ नहीं करता है, किसी के कर्म में रुचि नहीं है, उसी का अपमान मत करो। अपमान करो तो सगर के संतानों का जैसे पूरा पुरुषार्थ विफल गया वैसा तुम्हारा भी हो सके। वो इंद्र चालाक आदमी है, बड़ा कनिंग आदमी है, वो घोड़ा अश्वमेध का चुरा कर, वो कपिल मुनि जो कर्म से विरक्त हो गए थे, बैठा बैठा साधना में, और ये सगर के बेचे आए और वहां वो तो इंद्र घोड़ा बांधकर और ये तो बैठे, और इन संतानों को लगा हमने इतना पुरुषार्थ किया और ये कर्म से मुक्त कर दंभ कर रहा है, पाखंड कर रहा है, और उसको उसने परेशान किया, अपमानित किया, और कपिल ने श्राप दे दिया कि तुम जलकर भस्म। कर्मठों को चाहिए जो उदासीन हो गई हैं उनकी आलोचना न करो, तुम करो पुरुषार्थ। कपिल की आलोचना की, इसमें सबको जलना पड़ा, फिर इस अमर लोक वाली गंगा को उतारने के लिए भगीरथ ने अंशुमान ने तपस्या की, फिर भगीरथ ने किया, फिर कितना किया, तब ब्रह्मा के कमंडल की गंगा तैयार हुई मर्त लोक में आने। और तैयार हुई तो भगीरथ को कहा कि मुझे जिले कौन, मुझे रखे कौन, बता पहले। तो फिर शंकर की उपासना करनी पड़ी, फिर शंकर तैयार हो गए तो जटा में उलझ गई, फिर बड़ी मुश्किल से एक लट खोली, फिर चली, फिर जन्नू ऋषि के उसी में चली गई, कितनी मुश्किल से गंगा आई। और केवट जैसे असमर्थ के कथोटे में ऐसे ही जहां से गंगा निकली थी वो स्वयं चरण आ गया। कई लोगों की मानसिकता ही ऐसी है, इसका मतलब न करो नहीं, रोज खूब जप करो अवश्य, लेकिन करुणा करनी होगी तो कभी कभी न जप करे उस पर भी हो जाए। सवाल है भीतरी रंक पने का, साधन छोड़ना मत। कितने साधन, तुलसीदास जी फिर मैं विनय को याद करूं, यह कलिकाल सकल साधन तरू है श्रम फल नि भरोसो, ना ही न आवतान भरोसो हरि रटो। समाज के ब्रह्माओं को जामवंतों को बस विराट की ही परिक्रमा करनी है। वामन ऑलरेडी तेरे सामने था लेकिन उसमें प्रभाव नहीं पड़ता। शांति से बैठे बैठे आंख में आंसू आ जाए, हरि तुम्हारे अगल बगल में नाचेगा, लेकिन इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ये तो कायर है। ऐसे ऐसे 5-5 घंटे करो तुम लोग तो लगेगा क्या, हाँ ये भी महिमावंत है अवश्य, उसका वो ऐसे रूप में मत लेना, लेकिन मार्ग बहुत कठिन है साहब। भक्ति ऐसी बाजार है जहां तुम मूल्यवान लेने जाओ और कहे कि तुम्हारी जेब में जितने पैसे हो इतने में मिलेगी, यही है शरणागति का मार्ग। वहां जब कोई जाए तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, वो शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता की शांति कई आयामों से आई है, उसकी चर्चा में अभी रख रहा हूं। मानस शांति निकन 2-3 भागों पर जाने देता हूं, सोचिए सा। तो जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा शांत उनका स्वरूप है, तो शांति भक्ति की तरह अगम भी है, सुगम भी है, दुर्लभ भी है, सुलभ भी है। रघुपति भगति करत
कठिनाई दुर्लभ और सरल सुभावन मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई तो सुलभ। बाप मेरे कहने का मतलब है और देखो साहब जिन्होंने साधना की भगीरथ ने साधना की सगर के संतानों ने पुरुषार्थ किया गंगा मर्त लोक में आई उद्धार कितनों का किया इनके पुरखों का किया बाकी तो फिर बही और हम लाभान्वित हो गए लेकिन जिसने उतारी उनके तो पुरखों उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। लो असमर्थ की गंगा केवट की गंगा ने तो पितरों को पार किया परिवार को भी पार कर दिया और हम जैसे असमर्थों के लिए मार्ग सुगम कर दिया पितर पार करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु। और छोड़ो परिवार को पार किया पितरों को पार किया पुरखों को पार किया अरे छोड़ो असमर्थ ने प्रभु को भी पार कर दिया। मुदित गए उलय पार ईश्वर तक की पार करने का असर्थों में सामर्थ्य होता है जब दिल साफ होता है। तो साहेब भक्ति अगम है सुगम है उसी रूप में शांति भी अगम है और सुगम है। यदि शांत मूर्ति कोई शांति का हमें दान दे दे तो शांतम शाश्वतम प्रमेय मनधम निर्वाण शांति परम। पादुका से शांति प्राप्त की भरतलाल जी ने फिर तो अरण्य कांड में प्रभु चित्रकूट से आगे बढ़े मुनियों को मिलते 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 प्रभु कई संतों को मिलते मिलते पंचवटी में आते हैं। पंचवटी में फिर सीता का अपहरण होता है और भगवान जानकी की खोज करते गीधराज जटायु का उद्धार करते और जटायु लो लो साहब कितना अधर असमर्थ आदमी है लो हा? दशरथ की गोद में छटक जाते हैं और यहाँ ठाकुर ने गीध को गोद में लिया। असमर्थों की महिमा देखो सर जटायु का उद्धार करके प्रभु शबरी के आश्रम में आए। शबरी असमर्थ है लेकिन वो तो कुछ साधना भी करती थी उस तो साधना है भगवान को कहना पड़ा सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो रहे उसमें साधन है लेकिन उसने भी उसके बाद भी एक सुंदर सूत्र है नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक पद सब त्याग हूं विश्वास करी कह दास तुलसी केवल राम पद अनुराग। तो बाप तुलसीदास जी को किसी ने पूछा कि राम जी घोड़े पर बैठकर गए जनक के मंडप में वो छवि आपको प्रिय है बोले वो ठीक है लेकिन इतना जमता नहीं। अच्छा तो भगवान हाथ में धनुष बाण लेकर अहेर खेलने जाते थे वो बोले वो भी ठीक नहीं। तो पैदल विश्वामित्र के संग चलते वो छवि ठीक है बोले वो भी नहीं। वनवासी हुए वो भी ठीक वो भी नहीं। लसत मंजु मणि मंडली मध्य सी रघु भगवान राम और जानकी जी जैसे बैठते हैं चित्रकूट में वो छवि बोले वो भी नहीं। तो बोले आपको कौन सी छवि अच्छी लगती है बोले तीन बंदर और एक राक्षस सुवेल के शिखर पर बैठे थे। तीन बंदर हनुमान अंगद सुग्रीव और एक राक्षस विभीषण इस चार में बीच में जो ठाकुर विश्राम मैन वो छवि हमारा चित बंदर की समान चंचल है इसी चंचलता में जो हरि बस जाए वही छवि हमारे योग्य है। हाँ इंद्रियों का कंट्रोल करें और ये करो ये करो सिखाया जाता है बस वृत्तियों को रोको तेरा पप्पा भी नहीं रोक पाया वृत्तियों को कृष्णार्पित करो मुरारी पादार्पित चित हम जैसे के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वृत्तियों को निरोध करना कोई गलत है लेकिन कहां कर पाते व्याख्यान होते निरोध कहां होता है इसलिए वाल्मीकि कहते हर एक इंद्रियों को ठाकुर को समर्पित कर दो आंख नाक कान हाथ पैर सब दे दो
बात बनेगी। अभिप्राय ये है मेरे भाई बहन, शांति कोई दान में दे दे, और शांति पमाड़े तेने संत कहिए, जो शांति दे संत। तो ये सुगम भी है अगम भी है ऐसा कुछ। तो भगवान शबरी के आश्रम के बाद सियाजू की खोज करते करते आए पंपा सरोवर, नारद से भेंट हुई, फिर वहीं से आगे बढ़े, हनुमान जी से भेंट हुई, फिर सुग्रीव से मैत्री, बाली प्राण कर भंग, प्रभु का चातुर्मास हुआ, फिर जानकी की खोज के लिए बंदरों को किष्किंधा कांड में भेजे गए, और ये सब बंदर समंदर के तट पर संपाति की प्रेरणा लेकर लंका में जाने के लिए तैयार। कौन जाए, हनुमान जी तैयार हुए और सुंदर कांड का आरंभ। शांतम शाश्वतम प्रमेय मननम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत रामाख्यम जगदीश्वरम माया मनुष्यम हरि वंदे स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति सत्यं वदामि च भवान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव नीरभराणि कामादि दोष रहितं कुरुमानस अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणां रघुपति प्रिय भक्तं रघुवर करुणा करने वाला है, वो शांति प्रदान करता है, हम कहाँ प्राप्त कर सकते। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज माँ जानकी की खोज लेकर लंका दहन करके लौटे, प्रभु संदेश प्राप्त करके समंदर के तट पर पहुंचे हैं। यहाँ रावण की सभा से विभीषण निष्कासित हुआ और भगवान की शरण में आया। भगवान विभीषण को शरण में रखते हैं और फिर सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिमि उतरे सागर पार गए बसीठी वीर बर जही विधि बाली कुमार। तो फिर समुद्र वाली ये बात आई और फिर वहाँ सुंदरकांड का विराम होता है। लंका कांड के आरंभ में भगवान सेतुबंध की रचना करते हैं और फिर भगवान शिव की स्थापना हुई। एक बार जय घोष कर बोलिए रामेश्वर भगवान की, लिंग थापि विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय। प्रभु की सेना लंका में सुबेल पर उतारा, रावण रस भंग दूसरे दिन राजदूत के रूप में परम चतुर अंगद को भेजा गया, संधि हो न पाई।
युद्ध अनिवार्य हुआ। घमासान निशिचर की सलराई बर निश विविध प्रकार कुंभकर्ण घन नाद कर बोलो संघार निशिचर निकर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बध मंदोदरी शोका राज विभीषण। सभी राक्षसों का निर्वाण हुआ। आखिर में 31 बाण मार करके भगवान रावण का निर्वाण पद देते हैं, अपने स्वरूप में अपने चेहरे में समा लेते हैं। मंदोदरी ने शोक व्यक्त किया, प्रभु की स्तुति की, रावण की क्रिया हुई, विभीषण को राज तिलक हुआ, माँ जानकी को खबर दी और फिर जानकी जी को पुनः प्राप्त किया और भगवान राम मित्रों के साथ अयोध्या अवध चले। प्रभु कृपा निकेता, भगवान कृपा निकेत अयोध्या आने के लिए तैयार हुए हैं। पुष्पक विमान में बैठकर भगवान निकलते हैं। सबको मिलते मिलते फिर एक बार श्रृंगवेरपुर में केवट के पास हरि आए और वहाँ लंका कांड को विराम दिया। उत्तरकांड के आरंभ में भरत जी की विवलता का दर्शन है और फिर हनुमान जी संदेश देते हैं, प्रभु आ रहे हैं। इस मंगल खबर मिलते ही पूरी अयोध्या आनंद में डूब जाती है। प्रभु का विमान सरजू तट पर उतरता है, सब दौड़े हैं। प्रभु ने अनेक रूप लेकर सबका आत्म साक्षात्कार संपन्न किया। भगवान पधारे राजभवन में, तीनों भाइयों को स्नान कराया, खुद ने अपने हाथों से स्नान किया, जानकी जी को सासों ने स्नान करवाए और फिर दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए और दिव्य सिंहासन मांगा गया। 14 साल के बाद राम राज्य की स्थापना की वो क्षण आई। गुरुदेव वशिष्ठ आदि ब्रह्म देवताओं ने वेद मंत्र उच्चारित किया और भगवान राम जानकी सिंहासन पर विराजमान हुए और सबसे पहला राज तिलक राम राज्य का, प्रेम राज्य का, भगवान वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी के बाल में किया। और गोस्वामी जी की कविता, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनिहा पुनि सब बिप्रन आय सुनिहा सुतहि बिलोकि हर्षि महतारी बार बार आरती उतारी। विश्व को राम राज्य देते हुए तिलक सारा गया और त्रिभुवन में एक जय घोष हुआ राम के राज्य का। और भाव से बोलिए राजा राम चंद्र भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, चारों भैया की, भारत माता की, धरती माता की, हर हर महादेव। राम राज्य की स्थापना हुई, माताओं ने आरती की, चारों वेद बंदी जन के रूप में आकर प्रभु की स्तुति करके ब्रह्म भवन चले गए। आखिर में कैलाशपति महादेव स्वयं आए, प्रभु की स्तुति करके बार बार वरदान मांग करके हर्षित गए कैलाश। शिव जी कैलाश गए, प्रभु ने अपने सखाओं को सुंदर निवास दिया। समय बीतने लगा, दिव्य राम राज्य की स्थापना हुई। 6 मास के बाद मित्रों को विदा दी गई और फिर अद्भुत राम राज्य, जिसकी मांग गांधी जी ने की, प्रेम राज्य हो। राम राज्य प्रेम राज्य का पर्याय शब्द है। प्रेम सब नर कर ही परस्पर प्रीति। हम भी इस कथा के विराम में, कल प्रजासत्ताक दिन है भारत का, इसी को स्मरण करते हुए सब परस्पर प्रीत करें और प्रेम राज्य की प्रभु करे स्थापना हो। तो बाप समय मर्यादा पूरी होते जानकी जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उसी तरह तीनों भाइयों के यहाँ भी 2-2 पुत्र के जन्म की बात और रघुकुल के वारिस के नाम दिखा करके तुलसी ने कथा को विराम दिया। सीता का 2री बार त्याग, जिसमें विवाद है,
दुर्वाद है, अपवाद है। गोस्वामी जी कहते मेरा तो कथानक संवाद का है, मुझे इन विवाद दुर्वाद और अपवाद के प्रसंगों में जाना नहीं। इसलिए सीता निष्कासित प्रसंग को तुलसी उठाते नहीं हैं। बस सीताराम की एक छवि लोक हृदय में बिठाकर तुलसी जी कथा को मोड़ देते हैं और काकभुसुंडी जी के चरित्र की कथा आती है। गरुड़ के सामने भुसुंडी ने समस्त कथा सुना ली। आखिर में गरुड़ के सात प्रश्न और सातों प्रश्नों के उत्तर भुसुंडी जी ने सदगुरु के रूप में दिए। कृतकृत्य हो गए गरुड़, गुरु के चरण में प्रणाम करके गरुड़ वैकुंठ गए। याज्ञवल्क जी ने तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी को सुनाते हुए कथा को विराम दिया कि नहीं, वो स्पष्ट नहीं है, वो तो गंगा बहती रहेगी तब तक चलती रहेगी, काश हमारे कान सुन पाए। यहां भगवान शिव भी पार्वती को कथा को विराम देते हुए कहते गौरी अब कुछ सुनना है देवी। तब कहा कि अब कृतकृत्य भयउ मैं तव प्रसाद, विश्वेश उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। शिव जी ने भी कथा पूरा किया और गोस्वामी जी शरणागति के घाट बैठकर कथा को विराम देते हुए पूरे शास्त्र का सार बता रहे। बाबा जी बोले यह कलिकालन साधन जोग यज्ञ राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम। जिसका नाम पतित पावन है, नाम लेने से किसको आनंद नहीं मिला है, ऐसा कहकर तुलसी कह औरों की छोड़ो मेरे सामने देखिए मानसकार आखिर में अपना अभिप्राय देते हुए अनुभव देते हुए बोले जाकी कृपा लवलेशते मति मंद तुलसीदास आयो परम समान प्रभु दीनहित तुम समान अस विचार रघुवंश मणि अरहि सम भवि कामि नारि प्यारि जिनि लोभि प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागम मोहिया यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्ते दुरामान मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं शांतस्तमः शांतये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरम् भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम सुबिमलम प्रेमानुपूरम शुभम श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदम भक्त्यावगाहिये ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवाः।
स्तुति श्रीमद रामचरितमानसे सकल कलिकलुषु विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तम सोपान उत्तर कांड समाप्त श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। चारों परमाचार्यों ने अपनी अपनी पीठ से राम कथा को विराम दिया। इन चारों की आशीर्वादक छाया में इस शांति निकेतन भूमि में बैठकर मेरी व्यासपीठ मुखर हुई थी। मेरी व्यासपीठ भी कथा को विराम देने की ओर अब अग्रसर है। तब नौ दिन में भगवत चर्चा हुई, शांति की खोज में हम रहे। स्वांतस्तमः शांतये गोस्वामी जी उसी शांत भाव की ओर उत्तरकांड के शास्त्र के समापन में भी थोड़ा संकेत, उसकी चर्चा आगे की कथाओं में यानी उसी श्रृंखला में जब आगे बोलेंगे तब। लेकिन ये जो मौलिक मांग, एक एक कांड एक एक मौलिक मांग पूरी कर देता है। सातों कांड में सातों मौलिक मांग पूरी हो जाए और फिर एक अवस्था सर्जित हो जाती है, पायो परम विश्राम। तो ऐसी राम कथा आपके सामने गाई गई। अब जब मैं उसको विराम देने की ओर हूँ तब और कुछ मुझे क्या कहूँ। वैसे तो सब कुछ कहने के बाद सब कुछ रह जाता है, यही तो अनंत की कथा का अनंत पना है। हरि अनंत हरि, कौन पार पाए उसका। इसलिए देश काल की मर्यादा में हम उसको विराम देते हैं। नवयुवकों ने जब मैं डेट देता हूँ कथा की, तब मिल करके इस कथा का आयोजन कर लेते हैं। इस बार शांति निकेतन में ही आयोजन हुआ। मैं सब व्यवस्था से सब तरह की रीति नीति से मेरा संतोष व्यक्त कर रहा हूँ कि प्रभु की कृपा से सब प्रकार से एक प्रेम यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। आशीर्वाद तो वो दे, लेकिन जब तक व्यासपीठ पर बैठा हूँ उसी का एक बल होता है, मानस के निकट बैठा हूँ उसी की ऊर्जा एक लेकर के मैं इतना ही कहूँ कि प्रभु करे हम सबकी ये सातों मौलिक मांग, ये जीवन की यात्रा पूरी हो, इससे पहले पूरी हो जाए। क्योंकि लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें कहना चाहिए इसी जन्म में ईश्वर को पा लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन जो सूत्रपात यहाँ हुआ है, इनमें से जो बात आपके हृदय तक पहुँची हो वो आपकी है, संभालिएगा। जीवन के किसी मोड़ पर उसका सदुपयोग करिएगा, मुझे श्रद्धा है फायदा होगा। और तो क्या कहें, फिर कुछ दिनों के विश्राम के बाद फिर कहीं लोकाभिरामम शुरू हो जाएगा। हमारा तो ये जोगी वाला फिरा है साहब, नया मंजर नया बिस्तर नया दाना नया पानी, चरे वैती ये कारवा चलता रहता है। तो बाप मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ कि हमें एक बार इस महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर की साधना भूमि, गुरुदेव टागोर की समस्त विद्याओं की साधना स्थली और इतने इतने महापुरुष यहाँ आए रहे, सबकी चेतना जहाँ वो है, ऐसी भूमि में एक बार मानस का अनुष्ठान करना था। मालिक ने ये शिव संकल्प को स्वीकार किया और आज पूरा भी किया, उसकी व्यक्तिगत रूप में भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। नौ दिन कथा के बाद उसका एक सुकृत एक कृत एकत्रित होता है, एक एक परिणाम होता है,
अनदेखा परिणाम, उसी को हम किसके चरण में समर्पित करें। लेकिन समर्पित करें इससे पहले हम सब मिलकर के जिस दो पंक्तियों के आधार पर ये कथा चली थी, उसी पंक्ति दोनों पंक्तियों का, बालकांड की ये दोनों चौपाइयों का, पंक्तियों का, हम सब अब साथ में एक बार गान कर लें, फिर इस पंक्तियों के आधार पर समस्त सत्कर्म समर्पित किया जाए। तो गाइए। पंक्तियों का आधार लेकर हम सब ने मिलकर नौ दिन रामचरितमानस का गान किया। आइए इस सब को लेकर हम इस भूमि में इस कथा का फल महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य सभी चेतनाओं को, और कल प्रजासत्ताक दिन है भारत का, और भारत को प्रजासत्ताक बनाने में जिन जिन चेतनाओं ने आज़ादी के हवन में अपनी आहुतियां दी है, इन समस्त चेतनाओं को एक कथा मैं आप सबको साथ में लेकर के, आइए हम इस कथा को इन्हीं चेतनाओं के चरणों में समर्पित करें। ठाकुर रामकृष्ण देव का ये बंग, इन समझ कौन कौन को याद करूं, सभी के चरणों में ये कथा समर्पित हो, और हनुमान जी की कृपा से ही ऐसे आयोजन सफल होते हैं। तो श्री हनुमान जी को विदा दे इससे पूर्व लेकिन कुछ भूल चूक रह गई हो तो एक मंत्र बोलना होता है, वो छूट न जाए, इसलिए हम सब मिलकर के तीन बार एक मंत्र बोलें ताकि इदम अग्नये नमः शिवाय, तो हम सब बोलेंगे हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। और प्रजासत्ताक दिन की बहुत बहुत बधाई एडवांस में सब देशवासियों को और पूरे संसार को बधाई, शुभकामना के साथ दोनों हाथ ऊर्ध्व करके बोलिए राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रदेवो भव, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और हनुमान जी को विदा दे इसे पूर्व। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्णनामो वासुदेवम।
वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्र कथा विसर्जन सुनहु वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सिया वर राम चंद्र की रघुबीर राम चंद्र की पवन सुत हनु उमापति महादेव बोलो भाई सब संत। नौ दिवसीय राम कथा विराम ले रही है, तब बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बशीर भद्र साहब की पंक्तियां बोलकर मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है तुम भी मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, कहीं फिर मिलना हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूं, इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें। सत्यम शिवम सुंदर हरि बोल। सत्यम शिवम शिव यही शिव श्री सुंदर है सत्यम सुंदर सत्यम सुंदर राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि बोल। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम हरि बोल। सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं हरि बोल। बुद्धं शरणं गच्छामि महावीर स्वामी अंतर्यामी 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 ओम मणि पद्मे हुं 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 तो कबीरा
मेरा कुआ एक है पनिहारी अनेक बर्तन सब न्यारे भए लेकिन पानी सब में महावीर स्वामी यदि तू मंदिर में रहता है तो मस्जिद में कौन, यदि तू बस्ती में पलता है तो वीराने में कौन, अगर तस्बीह के एक दाने में पलता है तो ये हर दाने दाने में कौन, यदि तू शम्मा में जलता है तो बता परवाने में कौन, अली मौला 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 वाहेगुरु 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 guru vai 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 guru कितने बजे की फ्लाइट है? हाँ लेट है ना, तो लेट होता जाए तो अच्छा ना। वाहे गुरु 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 हरि बोल 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 राधे 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 हरि बोल 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 निताई हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
शरणम शिवम सुंदरम Krishna Hare 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 तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर बोलिए हनुमान जी महाराज। नौ दिवसीय राम कथा मानस शांति निकेतन भाग पहला यहां विराम ले रहा है। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की सदगुरु भगवान की ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। Thank you.
समय समय सुर बरश ही फूला
मंडप ही आ